So hey guys, welcome back to the new video of AMU. AMU EEE 2021. So आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसको आप लोग ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ मिल जाएगा चैनल पर। और आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केमिस्ट्री में, तो आप लोग पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल पिछला वीडियो है, उसमें मैंने आपको ढंग से सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आज ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट टू, और प्रोजेक्टाइल मोशन आज की वीडियो के साथ ख़त्म होता है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ चाहे जितने क्वेश्चन करवा दूँ लेकिन तभी भी वो क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होंगे और कई तरीके के बन जाएंगे, पर मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये कहेंगे कि आप लोगों में से कई लोग हैं, आप लोग ये डेटा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, कई लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों में 75% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस तो देखते हैं, पर कुछ लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं, तो उन सभी लोगों को थैंक यू। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आप हर टाइप के क्वेश्चन ढूंढने में, हर क्वालिटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब का ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लेना होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो ये आज इस वीडियो के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आपको ज़रूर करना है, और कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, पर आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन शो होगा और आपको वीडियो को वॉच करना है, आपको वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डिलीवर कर रहा था। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिए और फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, तो लिखा है जैसा कि क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन एट एन एंगल 30° विद द हॉरिजेंटल फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद द वेलोसिटी ऑफ 100 m/s। यहाँ पर आपको जी की वैल्यू एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 m/s² दी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाई द बॉडी टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। सुनो, सबसे पहले अपने दिमाग में इसकी इमेज बनाओ, मैं जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा पर आपको ध्यान समझना भी है कि कोई भी बॉडी है, मान लो हमने कोई बॉल मान ली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉडी दी गई है जिसका मास हमें दिया हुआ है कि 1 kg, इसको ऐसे थ्रो किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया गया, क्योंकि दिखा है एट एन एंगल ऑफ 30 degree हॉरिजेंटल से, ये मान लो हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ से 30 degree एंगल पर भेजा जाता है, किस वेलोसिटी से, 100 m/s की वेलोसिटी से, ठीक है, 30 degree विद। अब हमें लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट यही तो होता है कि यहाँ का आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता है 2u sin θ / g, बट यहाँ पर आपको इतना ही टाइम कैलकुलेट करना है, ये पूरे टाइम के लिए है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। बट इतने टाइम के लिए, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था, तो आप लोग ज़रूर देख लो पिछला वीडियो। तो इतने टाइम के लिए क्या होगा, u sin θ / g होगा। तो गाइज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो आपको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और जो भी नेसेसरी हैं कंपोनेंट्स, उनको आपको वर्टिकली लेना है। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो आपको सब कुछ हॉरिजॉन्टली ही लेना है। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये वेलोसिटी 100 m/s इस डायरेक्शन में, आपको वर्टिकल इसका कंपोनेंट क्या होगा, 100 sin θ, और थीटा क्या होता है, 30 degree है, दिया है क्वेश्चन में, और सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 cos 30, ठीक। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 100 sin 30 degree, तो यू साइन थीटा की जगह क्या हो सकता है, 10 sin 30 degree, क्योंकि एंगल क्या है, समझ रहे हो, तो 10 sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे सॉरी 100 होगा, 2 5 10 और नीचे जी, तो टाइम टेकन कितना आया, 5 सेकंड,
थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या किया इस क्वेश्चन में। आप लोगों ने सभी चीज़ें लिखी यहाँ पर, आपको मार्क्स का कोई ज़्यादा रोल बिल्कुल काम ही नहीं था, बस ऐसे दिया हुआ था। फिर आपको यहाँ पर वर्टिकल मोशन ने कंसिडर किया, टाइम पीरियड पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, टाइम टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी लगाया। टू यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो पूरे के लिए आ जाता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर समय दिख रहा होगा, आप थोड़ी स्पीड क्वेश्चन में हम लगाने की तेज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है, द रूफ ऑफ लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाई, ठीक। अ बॉल इज थ्रोन इनसाइड द हॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड सच दैट इट डज नॉट कोलाइड विद द रूफ, हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट विल कवर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी हॉल की जो छत है, रूफ मतलब छत, वो 25 मीटर हाइट पर है, यानी कि आपको ये हॉरिजॉन्टल हाइट दे रखी है, सॉरी वर्टिकल हाइट दे रखी है, ठीक है। और उसी के अंदर, उसी हॉल के अंदर कोई भी बॉल थ्रो करी जाती है, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हिसाब से थ्रो करी जाती है कि वो रूफ़ को कोलाइड नहीं करती और बस छत के पास से आ जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए छत के पास से गुजर जाती है। तो कह रहा है हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट विल कवर, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। अब जो मैंने बात कही इसको चलो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई भी बॉल है, पहले बात कोई तो छत है, अगर ऐसे 25 मीटर हाइट पर है ये कोई छत, तो उसकी हाइट 25 मीटर है, बॉल जाती है और इसको बस पास जाके और यहाँ पर आ जाती है वापस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बस लड़ती नहीं है ऐसे, वापस आ जाती है। तो हमसे ये रेंज पूछ रहा है, देख सकते हैं लास्ट लाइन आप, हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट विल कवर, और जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, तो हमको ये रेंज पता करनी है। वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आप लोग बात ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन के पिछली वीडियो में मैंने कहा था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप वर्टिकल मोशन कंसीडर करें या हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें, इन दोनों में से आपको एक तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर u की वैल्यू भी है, समझ गए। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल उसका वर्टिकल हाइट का जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपके पास यहाँ पर आपको एंगल नहीं पता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हाइट लिखा। और इस फार्मूला में आपको सब कुछ पता है बट आपको एंगल नहीं पता है, ठीक। आपकी वैल्यू 25 पता है, हमने वाला फार्मूला क्यों लिखाया, हमने रेंज का क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर रेंज की फार्मूला में हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, ये किस एंगल से भी हमें ये नहीं पता। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम वो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो वीडियो जल्दी थोड़ा जल्दी करेंगे ना, बहुत लॉन्ग बनेगा वीडियो क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। तो 25 यहाँ पर हम 2 इसको सब उधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 9.8 अपॉन 40 का स्क्वायर, और नहीं इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49 अपॉन 160। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 7 अपॉन अंडर रूट 160। तो यहाँ से आप लोग कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी आपको वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके सामने वैल्यूज आएगी अंडर रूट 1 and 1 1 अपॉन 160। अब रेंज का फार्मूला लगा दो, तो रेंज का क्या फार्मूला होगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा यहाँ पर कोई बढ़िया एंगल तो दिया नहीं है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता, कॉस थीटा की वैल्यू पता, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, यू स्क्वायर 2 sin θ कॉस थीटा अपॉन जी। वैल्यूज पुट कर दो, 40 का स्क्वायर 2 sin θ 2 × 7 अपॉन अंडर रूट 160 इंटू अंडर रूट 111 अपॉन 160 अपॉन 9.8। तो आपके सामने जो आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है यहाँ पर आपसे, कि ऑब्जेक्टिव होंगे तो वहाँ पर इस टाइप का रूट वूट का कम है चांसेस आने के। वहाँ पे बढ़िया परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका वैल्यू होगी वही आएगा, जैसे कि 16 आएगा तो उसका 4 होता है, मतलब वैसी वैल्यू आएंगे, इस टाइप की वैल्यूज नहीं आएंगे, इजी ही आएंगे वैल्यूज, ठीक है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा कि थर्ड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है। सबसे बड़ी इसमें हिंट दे रखी है कि मैक्सिमम हाइट यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइट यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी और रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये आपको दोनों इक्वल यानी कि आप इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपस में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन टू थीटा को आप लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा और बचेगा साइन थीटा अपॉन टू इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा और ये टू इधर चला जाएगा टेन थीटा टू, सॉरी टू टू ज़ा फोर बचेगा क्योंकि यहाँ पर एक टू रहेगा ना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स फोर ये वैल्यू आएगी और टेन इनवर्स फोर की वैल्यू होती है 76 क्वेश्चन में दी रखी है। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है अ कैनन विच फायर सेल्स एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो यू हमें दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 रूट थ्री मीटर फ्रॉम द सिप ऑफ एनिमी, एनिमी की सिप से यानी कि ये आपको दे रखा है रेंज, रेंज है 180 रूट थ्री मीटर, जी की वैल्यू रखी है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एट वाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल शुड बी द सेल फायर सो दैट इट ड्रॉप डाउन द एनिमी शिप, किस एंगल से फेंके। तो फिर से वही क्वेश्चन, रेंज रखी तो रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज है 180 रूट थ्री, यू की वैल्यू है 60 का होल ऑफ स्क्वायर, साइन टू थीटा अपॉन जी की वैल्यू है दे रखी यहाँ पर 10। तो अब इसको एक पास ले जाते हैं 180 रूट थ्री इंटू 10 अपॉन 60 इंटू 60 साइन टू थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी रूट थ्री अपॉन टू और साइन में किसकी वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू साइन 60 और भी होती है लेकिन आप इतने एक ही एंगल निकालोगे वही सही है। तो टू टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप लिख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका वो एंगल है जिससे आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। सो अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर समय दिख रहा होगा कि अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ राइफल विद अ मज़ल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है टू हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो ये आपके रेंज दे रखी है कि टारगेट हमारा 25 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है हॉरिजॉन्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द राइफल दिया है। हाउ हाई अबव द टारगेट शुड राइफल बी एम्ड, मतलब कितनी ऊंचाई पर उसको टारगेट को एम करेंगे कि कितनी ऊंचाई पर हम राइफल को एम करेंगे हमारे टारगेट पर वो जाके हिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एम करने के लिए हमें थोड़ा ऊपर ही रखना होता है अपने टारगेट से। तो रेंज आपको रेंज का ही फार्मूला की हेल्प लें यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यहाँ से आप साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल लें तो साइन टू थीटा हो जाएगा 25 × 10, हमने कुछ नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 500 × 500, ये कैंसिल हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1000 के बराबर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2000, ये आ गया। ठीक, अब आप इसका ज़रा थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, हमारी गन यहाँ पर है, ये किस हाइट पर हम एम करें कि यहाँ पर जो हमारा जो टारगेट है उसको आकर हिट करे ये ऐसे,
किस हाइट पर यहाँ से एम करें, हमें ये हाइट पता करनी है। हॉरिजॉन्टल सरफेस तो ये एच है, ये टोटल हमारी रेंज है, एंगल हमें पता चल गया 1/2000। अब यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये लाइन टेढ़ी बनी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो क्या बनेगा, टैन थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टैन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू एच अपॉन आर। क्यों थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ही बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, देख सकते हैं आप ये थीटा कितना स्मॉल है, 1/2000, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 1/2000 इक्वल टू एच, हमें फाइंड करना है, वही हमें फाइंड ही करना है कि किस कहाँ पर एम करें कि यहाँ पर गोली लगे आके। आर कितना है 25, तो हमारी हाइट क्या आएगी 5/5 = 25 = 20 आएगी 1/80 meter, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सो जो सिक्स क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इसमें दिख रहा होगा कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 meter per second, तो वेलोसिटी हमारी 30 meter per second है। बहुत इजी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द अर्थ सरफेस इन विच, इसका तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल इन द रेंज वुड बी 45 meter ऑन थ्रोइंग द बॉल। लिखा है फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन द अर्थ सरफेस एंड दोज टू डायरेक्शन इमेज रेंज वुड बी 45 meter थ्रोइंग द बॉल। तो हमें रेंज पता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू हमारा 900 हो जाएगा साइन टू थीटा। में दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में एक वही जो अभी मैंने आपको थीटा जिस तरह फाइन करना बताया था, जिसमें आया था थीटा 30 degree, अभी यहाँ पर पीछे था जैसे कि कहीं पर था इस टाइप का, यहाँ पर जैसे सॉल्व लिया है, तो इस टाइप से ही आपको इसमें पहले थीटा फाइंड करना है, फिर उसके बाद रेंज निकालना है। तो मैं बार बार अब थीटा निकालना है तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उससे वीडियो भी लॉन्ग होगा और बाद में बताने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो आएगा साइन 2 × 15 degree, यानी थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 degree। तो आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। 900 × sin 2 30 degree कितना होता है, साइन 30 degree हो जाएगा 1/2 upon 45 meter, तो ये आपका रेंज आएगा। ठीक है, तो वो थीटा आपको खुद से ही फाइंड करना होगा, वो ने आपको बता दिया तरीका, उसी तरह से आपको फाइंड करना होगा। सेवन क्वेश्चन है आपके सामने, अ स्टोन इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 49 meter per second, 49 meter per second की स्पीड से स्टोन को फेंका जाता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, थीटा एंगल 30 degree बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है, यानी कि 2u sin theta upon g आपको निकालना है। यही आपके क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं होंगे, अब मैंने सभी तरीके करवा रहा हूँ। 2u 49 × sin 30 theta 30 degree हुआ, यानी कि 1/2, और 9.8 वैल्यू ग्रेविटी की दे दी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 × 4 = 9 यहाँ पर आपका टाइम आएगा 5 सेकेंड। पर और भी अभी कुछ पूछ रहा है, और हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछ रहा है, तो रेंज के लिए r = u² sin 2 theta upon g लगा दें। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू है 49 × 49, साइन 60 हो जाएगा, अब यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, और 9.8 49 × 2 = 2 5, यहाँ पर 5 × 49 √3/2, तो ये आपका रेंज आ जाएगा जितने भी मीटर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका रेंज भी आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका अर्थ क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में आप समझ गए थे ना
इसमें आपको थीटा मैंने इसलिए नहीं निकाल के बताया, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बताया, इस वजह से नहीं बताया, थीटा आपका 15 डिग्री आएगा और 75 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा वो भी सही है, 75 आएगा वो भी सही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका एंगल कैसे निकाला जाएगा आपको मैंने बताया था पहले, वही उसी तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, अ सेल इज थ्रोन एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम अ कैनन, इफ द सेल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यू हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है, अ सेल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कोई सेल है कुछ ऐसे फेंका जाता है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी दे रखी है 500 मीटर, एंगल हमें बताना है, बाकी सब में दे रखा है यानी कि रेंज दे रखी है, रेंज के अलग अलग नाम से बताएगा और आपको कंफ्यूज करेगा, तो उसमें कंफ्यूज होना मत। रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, 500 आपकी रेंज रखी है, यू की वैल्यू होती है 100 × 100 साइन टू थीटा अपॉन जी, 10 दे रखा है, ये कट गया, ये से ये कट गया, 5 × 2 = 10, 1/2 इक्वल टू साइन टू थीटा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो 2 थीटा आएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा आएगा 15 डिग्री। तो आपको मैंने एक बार और फिर से थीटा निकाल के बता दिया, इसी टाइप को इसी क्वेश्चन में लगाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट अ हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज हॉरिजॉन्टल दे रखी है 45 मीटर, बस ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, बस तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्व कर डालो, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, और वेलोसिटी रखी है 30 मीटर। आप हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाता है तो फिगर में आप टाइम बचा सकते हैं। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन मैं तभी बता दे रहा हूँ, रेंज है 45 मीटर, बार बार वही क्वेश्चन है, और 30 × 30 साइन टू थीटा, 3 से ही कट जाएगा, 3 बन जाए, 3 × 5 = 3, 5 = 5, ठीक है। तो एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक शायद हो गई, रेंज आपका 45 है और जी की वैल्यू भी 10 है, और नीचे साइन टू थीटा, साइन टू थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 मतलब √3/2, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देते हैं, रेंज हमारा है 45 मीटर, यू की वैल्यू हमारा 30 × 30, साइन टू थीटा में पता ही करना है, अपॉन जी ये कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू साइन टू, तो फिर से वही एंगल आ रहा है, उसको बार बार अब नहीं सॉल्व करेंगे, इसका एंगल आया 15 डिग्री। सो लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, कोई भी पार्टिकल है, यू वैल्यू दे देती है 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट एंगल विल बी मेड विद द हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, व्हाट एंगल इज मेड बाय द पार्टिकल विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पार्टिकल, हाइट आपको पता करना है, एच इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाइट पता करनी है, तो 40 × 40 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4 अपॉन 2g, ग्रिजी की वैल्यू 10 दे रखी, ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, से ये कट जाएगा, हाइट आपकी 20 मीटर आएगी, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट एंगल इज मेड बाय द पार्टिकल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या बनाएगा एंगल, तो आप कुछ जानते हैं, पार्टिकल हमने ऐसे फेंका, उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो इधर क्या आएगा, 40 sin 30 डिग्री, ये आएगा 40 cos 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल यही वाला है 40 cos 30 डिग्री, तो 40 cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है 1/2, 20 डिग्री के साथ ये आपको एंगल देगा, समझ गए, यही आपको एंगल देगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी देखना, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिए, जिस टाइप के हो सकते थे करवा दिए, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन के कई क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, उनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, बट मैंने जितने हो सकते थे टाइप, जितने आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उस सभी टाइप को करवा दिया। तो अब बस इतने ही टाइप के, ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा बेस पता हो, थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका पता हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा।
चलते चलते बस यही कहेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।